लेकर रहेंगे अपना अधिकार। पसमांदा ने भरी हुकार, दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। आज़ादी के बाद से लगातार पसमांदा समाज की शैक्षणिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति दयनीय होती जा रही है। केंद्र और प्रदेश में बनने वाली तमाम सरकारों व राजनीतिक दलों द्वारा पसमांदा समाज के ज्वलंत सवालों के प्रति अनदेखी और असंवेदनशीलता की वजह से आज पूरे देश में पसमांदा समाज बुरे दौर से गुजर रहा है। एक एक करके इन बिरादरियों के तमाम परंपरागत उद्योग धंधे या तो समाप्त हो चुके हैं या समाप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। तमाम राजनीतिक दलों ने पसमांदा बिरादरी को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है और सरकार बनने के बाद उनके सवालों पर असंवेदनशीलता दिखाई है। मगर अब समस्त पसमांदा बिरादरियों ने तय किया है कि वह अपने सवालों के प्रति अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने इतिहास के बुनियादी पर अपने खिलाफ गोलबंद होंगे और मुसल्लर सड़क के संसद तक संघर्ष करेंगे। शनिवार को सुबह 10 बजे से शास्त्री घाट जो आपके बन्नापुर के पास है, वहाँ पे एक पसमांदा अधिकार सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन के जो चीफ गेस्ट हैं वो पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी साहब थे, वो भी आ रहे हैं। दीपक सिंह है, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, अरुण माझी जी हैं जो वो भी वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, और तमाम देश और प्रदेश के तमाम ऐसे वरिष्ठ लोग, नागरिक समाज, सामाजिक संगठन, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश और प्रदेश की तमाम पसमांदा बिरादरियाँ, लगभग मैं कहूँगा अगर तो 2 दर्जन से ज़्यादा पसमांदा बिरादरियाँ इसमें यूनाइट हुई हैं, साथ में आ रही हैं। और इस सम्मेलन का जो मकसद है कि कालांतर में जितनी भी आज़ादी के बाद से जो सरकारें बनी हैं केंद्र और प्रदेश में, उन्होंने पसमांदा समाज को वोट बैंक की तरह तो इस्तेमाल किया है लेकिन उनके सवालों पर असंवेदनशील बनी रही हैं और जिसकी वजह से आज पसमांदा समाज की शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति एकदम हाशिए पर चली गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा से वोट लेकर के सरकारें बनती रही हैं लेकिन आज स्थिति यह है कि पसमांदा समाज की जो सवालों की जो अनदेखी हुई है, इसकी परिणति यह है कि एक एक करके पसमांदा समाज के सभी परंपरागत धंधे, उद्योग धंधे या तो खत्म हो चुके हैं या खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस स्थिति में अब पसमांदा बिरादरी ने तय कर लिया है, मैं पसमांदा बिरादरी की बात कर रहा हूँ तो पूरी पसमांदा बिरादरी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो है तय कर लिया है कि अब अपने सवालों पर अनदेखी और उस पर असंवेदनशीलता नहीं बर्दाश्त की जाएगी और मजबूती के साथ अपने इतिहास की बुनियाद पर, अपने यूनिटी की बुनियाद पर हम लोग इसके खिलाफ खड़े होंगे और सड़क से संसद तक संघर्ष करेंगे। परिचय बता दें। मैं अमान अख्तर, प्रदेश अध्यक्ष पसमांदा अधिकार मंच और कन्वेनर भी हूँ, संयोजक भी हूँ इस कार्यक्रम का जो आगामी 2 जनवरी को होने वाला है। अमान जी, सबसे बड़ा सवाल, पसमांदा अधिकार सम्मेलन किया जा रहा है, ये पसमांदा है क्या चीज? पसमांदा बेसिकली ये फारसी लफ्ज है पिछड़े का, जो पिछड़े को फारसी में पसमांदा कहते हैं और इसमें तमाम जो पिछड़ी जातियां हैं जिसको कहते हैं अति पिछड़ा कह लें, जैसे कि हमारे समाज में जैसे आपके नट बंजारा है, धोबी हैं, समझ रहे हैं, मोची हैं, हवाईगढ़ हैं, हलालखोर हैं, इस तमाम ऐसी बिरादरियां जो कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जिनको कहा जाएगा, बल्कि इसमें दलित भी है, बहुत जो दलित तबका है, मुस्लिमों में जो दलित तबका है, उन सबको को लेकर के ये पसमांदा शब्द है। तो किस तरह का पत्रकार वार्ता बुलाया गया है, क्या सम्मेलन है? देखिए, आगामी 2 जनवरी 2022 रविवार को शास्त्रीगढ़ कचहरी पर एक पसमांदा अधिकार सम्मेलन हो रहा है जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक और पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी साहब भी आ रहे हैं। दीपक सिंह है, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, अरुण माझी जी हैं वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, तमाम देश और प्रदेश के ऐसे वरिष्ठ लोग, नागरिक समाज, सामाजिक संगठन और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा पसमांदा बिरादरियां आ रही हैं और इस पे मुत्तहिद हो रही हैं अपने सवालों को लेकर, क्योंकि लगातार जो भी कालांतर में सरकारें बनी हैं उन्होंने पसमांदा समाज के सवालों पर अनदेखी की है और असंवेदनशील बनी हुई है, जिसकी वजह से आज पूरे देश में पसमांदा बिरादरी शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से बद से बदतर स्थिति में हो गई। क्या मांग करते हैं आप? सर, मेरा मानना यही है कि जो आर्टिकल 341 है, जो जिसमें पैरा 3 लगाया गया है, उसमें कहा गया है कि जो SC है उसमें सिर्फ हिंदू बिरादरी शामिल हो सकती है और कोई बिरादरी शामिल नहीं हो सकती, जबकि हमारा जो प्रीम्बल है, जो संविधान है, वो कहता है कि ये देश समता मूलक है, धर्म निरपेक्ष है, समाजवादी है, हैं, और पंथ निरपेक्ष है। तो ऐसे में आप इस तरह का अगर आर्टिकल लेकर के आते हैं
तो कैसे संभव है सोशल जस्टिस की बात करेंगे? हमारे भी मुस्लिम धोबी हैं, मुस्लिम मोची हैं, हाँ ऐसे हलाल खोर बिरादरी जो सफाई कर्मी हैं, तो हमारा सब यही मानना है कि काम एक नाम एक, तो अधिकार में भेद क्यों? जब हमारे भी सफाई कर्मी हैं, हमारे भी मोची वही काम करते हैं, तो उनको भी अधिकार वही देना चाहिए, इसको एससी में शामिल करना चाहिए। दूसरी मांग हमारी यह है कि पसमानदा जो हमारे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें साफ कहा गया था कि 27% ओबीसी में दिया जा रहा है, ये मुसलमानों के लिए इनफ नहीं है। तो बहुत सारी जातियां पहले से 5,000 से ज्यादा बात जातियां हैं, इसलिए पसमानदा अल्पसंख्यकों को आपको ओबीसी में 15% अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस समाज के लोग भी ज्यादा ज्यादा राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। ठीक, मैं अब्दुल माजिद, पसमानदा अधिकार मंच का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी। क्या कहना चाहेंगे 2 तारीख के कार्यक्रम को लेकर? 2 तारीख के कार्यक्रम, देखिए हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये तमाम जो पसमानदा बिरादरियां हैं उसके इतने भी सवाल उनके जो है, जो उनको आरक्षण के मुताबिक मुतालिक है, सामाजिक और जो आर्थिक और जो राजनीतिक जो उनका जो जो उनको जो छोड़ा गया है सामाजिक तौर पर, उसके लिए हम लोग एक सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार से सवाल हम लोग कर रहे हैं एक सम्मेलन के तहत, कि जो पिछड़ गए हैं राजनीतिक तौर पे और जिनकी भागीदारी जो है नहीं हो पा रही राजनीति में, हम लोग उसको लेकर सम्मेलन कर रहे हैं।